हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टारनी स्टूडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एचबी फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में, जिसमें 228 पदों की भर्ती निकलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश वन विभाग में वन रक्षकों के 113 नहीं 153 पदों की होगी भर्ती। हिमाचल प्रदेश वन विभाग में भरे जाने वाले फॉरेस्ट गार्ड के लिए अब फिर से आवेदन करना होगा। हालांकि अक्टूबर 2019 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने गैर हिमाचली उम्मीदवारों के लिए नियमों का संशोधन किया था। वर्तमान में वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 40 पद खाली हो गए हैं। इन पदों को भरने का प्रस्ताव कैबिनेट में किया जाएगा। इन पदों को विलंब से भरे जाने की स्थिति में लंबित 113 पदों को पहले भरे जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। अनुमान है कि मार्च महीने के बाद भर्ती से संबंधित विज्ञापन जारी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम में पहली बार 75 वन रक्षकों की सीधी भर्ती होगी। इसके लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है। अगले माह वन रक्षकों के 228 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। ये भर्ती वन विभाग करेगा। वैसे वर्तमान में वन विभाग में वन रक्षकों के 200 से अधिक पद खाली हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसीज की बात करते हैं तो टोटल ओल्ड वैकेंसीज हैं 113 और न्यू वैकेंसी हैं 40 और टोटल पोस्ट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के लिए हैं 75 पोस्टें और टोटल न्यू वैकेंसी हो गई 228। तो देखते हैं कहां कहां कितनी कितनी पोस्टें हैं। धर्मशाला में 18 हैं, हमीरपुर में 13 हैं, रामपुर में 9 हैं, कुल्लू में 13 हैं, नाहन में 6 हैं, मंडी में 4 हैं, चंबा में 13 हैं, शिमला में 16 हैं, शिमला वाइल्ड लाइफ में 3 हैं, धर्मशाला वाइल्ड लाइफ में 1 है, सोलन में 6 हैं और बिलासपुर में 11 हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन 12th पास मांगी गई है और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना ज़रूरी है। और एज लिमिट की बात करें तो एज यहाँ पे एज ऑन 1/1/2021 के हिसाब से मांगी गई है। फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम एज है 30। और एज रिलैक्सेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए जो एज की रिलैक्सेशन दी जाती है वो सभी को दी जाएगी, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, पीएचएक्स, सर्विसमैन, ईटीसी। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी हाइट मेल की 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 150 सेंटीमीटर मांगी गई है। और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट यहाँ पे 79 बिना फुलाए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की। और रिजर्व कैटेगरी की हाइट मांगी गई है मेल की 160 सेंटीमीटर और फीमेल की 145 सेंटीमीटर। और चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी की चेस्ट मेल की जो है वो 75 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर मांगी गई है। तो यहाँ पे फीस की बात करें दोस्तों, तो जनरल ओबीसी वालों की 400 रुपये फीस लगेगी और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों की 100 रुपये फीस लगेगी। और सैलरी की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो 5,910 से लेकर 20,200 सैलरी हो सकती है और ग्रेड पे 2,000 मिलेगा सबको। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें 100 मीटर और 800 मीटर की रेस होगी और हाई जंप होगा और लॉन्ग जंप होगा। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा 85 मार्क का और 85 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे रिटन एग्जामिनेशन में, जैसे जनरल नॉलेज, रीजनिंग होगा, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, हिंदी एंड जनरल इन्फॉर्मेशन। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपको 15 मार्क मिलेंगे। और अभी दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई आई नहीं है, तो अभी तक यहाँ पे अनाउंस सून बताया जा रहा है सभी पे। तो जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगी तो हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आ जाएंगे, जिसमें हम आपको पूरी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के बारे में जानकारी देंगे। और दोस्तों, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। धन्यवाद दोस्तों।